दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज आपके बीच शेयर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप छात्र हैं बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमकॉम के तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही खुशखबरी मिलने वाली है इस न्यूज के माध्यम से मैं जो आपको देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे आपके सामने एक न्यूज कटिंग फ्लैश होगी और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं इसी न्यूज कटिंग के माध्यम से अपडेट देने वाला हूं। 2 से 3 मिनट की वीडियो होने वाली है तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपडेट क्या है कि यहां पर आपको जो है शासन के निर्देश पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने के लिए सोमवार को यहां पर कॉलेज ने करीब 18,000 विद्यार्थियों का जो डाटा है वो विश्वविद्यालय को देर रात भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपके कॉलेज हैं उनमें में से यहाँ पर करीब 18,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो विद्यार्थियों का डाटा है वो विश्वविद्यालय को देर रात तक भेज दिया गया है। वहीं आपको मैं आगे बता दूं कि कॉलेज के कार्यालय अधीक्षक पंकज अग्रवाल ने जी ने बताया है कि LLB MLIV और साथ ही साथ MED के प्रथम और BCOM ऑनर्स के तृतीय वर्ष विद्यार्थियों को डाटा अभी नहीं भेजा सका है। मतलब कि अभी जो इतने मैंने जब आपको बताया कि BCOM ऑनर्स के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का जो डाटा है अभी तक नहीं भेजा गया है और नहीं तो सब डाटा जो है फिर सेंड हो गया है विश्वविद्यालय प्रशासन को, ठीक है। और इससे दूसरे चरण में भी भेजा जाएगा, मतलब कि अभी सेकंड फेज में भी आपको भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी एक गुड न्यूज़ आ रही है कि अभी तक ये सब जो न्यूज है वो अभी तक केवल न्यूज पेपरों में के माध्यम से आपको बताया जाता था, लेकिन अब ये हकीकत में नजर आ रही है। आप लोगों का जो ये टैबलेट और स्मार्टफोन देने का प्रक्रिया है और रंग पकड़ और इसी बीच यहाँ पर टैबलेट के लिए बरेली कॉलेज में बनी 18,000 विद्यार्थियों की लिस्ट, मतलब 18,000 अभ्यर्थी केवल यहाँ पर बरेली स्टूडेंट्स मतलब सॉरी MJPRU की तरफ से यहाँ पर अभी बना लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कुछ कोर्सों का जो है अभी तक लिस्ट नहीं भेजा गया है, उनका भी सेकेंड फेज में लिस्ट भेजा जाएगा और ये अपडेट भी आ रही थी आपकी MJPRU की तरफ से, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर मैं आपको रोक रहा हूं। आपको मैं बहुत बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर किस तरीके से यहां पर फॉर्म होते हैं, किस तरीके अप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक यहाँ पर फॉर्म है उत्तर प्रदेश मुफ्त लैपटॉप योजना 2021। इस तरीके से यहाँ पर दिखे गए यहाँ पर मेंशन किया गया है ITI पॉलिटेक्निक UG PG BEd BTC UP बोर्ड CBSE बोर्ड, ठीक है, 2021 और 22। इस तरीके से जो है ये फॉर्म इस तरीके से फिल किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपका फोटो लगेगा, स्टूडेंट्स का नाम, ये मतलब तमाम जो आप देख पा रहे होंगे ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपका लिया जाएगा। उसके बाद इसको आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूं जो कि आप लोग के बहुत डाउट थे कि सर किस तरीके से फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई है। कोई क्वेरी या फिर डाउट्स आपको रह गए हैं, मतलब कि कोई आपको क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप भेजे जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कमेंट का जो रिप्लाई होगा इंस्टेंट आपको दे दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस न्यूज के बारे में मालूम हो सके। और भी आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई अपडेट आपको पाना चाहिए या फिर आपको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स की भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते किसी एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।